नमस्कार, मैं अंजलि चौहान, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें, 5 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, तो बजट से पहले जान लीजिए इससे जुड़े शब्दों के मतलब। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट से हर किसी ने कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं। बजट को आप बारीकी से समझ सके इसके लिए आवश्यक है कि आप इससे जुड़े कुछ शब्दों को अच्छी तरह से समझ लें। आइए बजट पेश होने से पहले इससे जुड़े कुछ खास शब्दों के मतलब के बारे में जानें। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अर्जित किए गए रेवेन्यू और कुल खर्च की विस्तृत जानकारी को बजट कहते हैं। जब एक साल में अर्जित हुआ मौजूदा रेवेन्यू कुल मौजूदा खर्च के बराबर है तो इसे बैलेंस्ड कहा जाता है। जब केंद्र सरकार के अर्जित रेवेन्यू से ज्यादा खर्च होता है तो इसे राजस्व घाटा बताया जाता है। जब एक वित्तीय वर्ष में कुल खर्च इसकी कुल सालाना आमदनी से ज्यादा होता है तो इसे राजघोषीय घाटा कहते हैं। इसमें कर्ज शामिल नहीं है। फाइनेंस बिल यानी वित्तीय विधेयक। यूनियन बजट को पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। यूनियन बजट में नए टैक्स, टैक्स हटाने, टैक्स में सुधार जैसे काम शामिल रहते हैं। फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। आमदनी और खर्च के स्तरों को बांटने के लिए सरकार कई तरह के एक्शन लेती है। वित्तीय नीति को बजट के जरिए लागू किया जाता है और इसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। फिस्कल कंसोलिडेशन, इसका उद्देश्य सरकार के घाटे और कर्ज को कम करना होता है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो फर्क होता है उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। यह सरकार की कुल आमदनी और खर्च के बीच अंतर होता है। एग्रीगेट डिमांड यानी कुल मांग। किसी इकोनॉमी में सामानों और सेवाओं की कुल संख्या को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं यानी कि कुल मांग कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर एक्सचेंज मार्केट में किसी देश की करेंसी की कुल मांग और सप्लाई के बीच के फर्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर जिसको कहा जाता है। किसी व्यक्ति या संस्थान की आय पर जो टैक्स लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। इनमें इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, ऐसा टैक्स जिसे उपभोक्ता सीधे जमा नहीं करते लेकिन आपसे सामानों और सेवाओं के लिए इस टैक्स को वसूला जाता है। पिछले साल जुलाई में एक नया टैक्स स्ट्रक्चर GST पेश किया गया था। देश में तैयार, आयात व निर्यात किए गए सभी सामानों पर जो टैक्स लगते हैं उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनमें सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है। इनकम टैक्स सैलरी, निवेश, ब्याज जैसे विभिन्न साधनों से होने वाली इनकम अलग अलग स्लैब के तहत टैक्सेबल होती है। यानी इनकम पर जो टैक्स लिया जाता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कंज्यूमर के नजरिए से देखें तो GDP आर्थिक उत्पादन के बारे में बताता है जिसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और नेट फॉर ट्रेड आयात और निर्यात का फर्क शामिल होता है। किसी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मापने के लिए GDP को माना जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति से कई मकसद साधे जाते हैं। इनमें महंगाई पर अंकुश, कीमतों में स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके उद्देश्यों में से एक है। अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति पर बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन से सीधे असर डाला जा सकता है। रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेशनल डेट राष्ट्रीय कर्ज। नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज। केंद्र सरकार के राजकोष में शामिल कुल कर्ज को राष्ट्रीय कर्ज कहते हैं। बजट घाटों को पूरा करने के लिए सरकार इस तरह के कर्ज लेती है। गवर्नमेंट बोरोइंग सरकारी उधार। यह वह धन है जिसे सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर होने वाले खर्च को फंड करने के लिए उधार लेती है। डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहते हैं। इन्फ्लेशन महंगाई। कुछ समय के लिए जब किसी इकोनॉमी में सामानों और सेवाओं की कीमतों का दाम बढ़ जाता है तो उसे महंगाई कहते हैं। जब आम वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तभी करेंसी की हर यूनिट से कुछ सामान और सेवाएं खरीदी जाती हैं। भारत में अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए महंगाई को मापा जाता है। तो ये थी बजट से संबंधित जानकारी जो हम सबके लिए जाननी बेहद ज़रूरी थी। बजट से पहले इन चीज़ों को जान लेना कहीं ना कहीं जागरूकता को बढ़ावा देता है।